इस्लाम कहते हैं कि नमाज शब अल्लाह से मोहब्बत का एक सबूत है। अच्छा, क्यों कहा रसूल ने ये? देखिए, जब हम कोई भी इबादत करते हैं तो हम नियत करते हैं कुर्बतन इल्लाह, हमें अल्लाह का कुर्ब मिले, हम अल्लाह के करीब हो जाएं। रब्बी ज़ुल्जलाल हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है कि जब भी मेरा कोई बंदा कोई वाजिब काम अंजाम देता है मेरे करीब आ जाता है। इसलिए हमारे वाजिबात में नियत करते हैं कुर्बतन इल्लाह। फिर अल्लाह कहता है जब मेरा बंदा किसी मुस्तहब पर अमल करता है तो वो अपनी मोहब्बत का सबूत दे देता है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करे मैं भी उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो उसके हाथ वहां उठते हैं जहां मैं जाता हूँ, उसके कदम वहां उठते हैं जहां मैं जाता हूँ, उसकी जबान से वो निकलता है जो मैं चाहता हूँ, और उसको ऐसा बना देता हूँ वो किसी काम के लिए कहेगा हो जा, वो चीज हो जाती है। नमाज शब मुस्तहब इबादतों में अफजल तरीन इबादत, कि जो नमाज शब पढ़ता है उससे खुदा मोहब्बत करने लगता है, और रसूल इस्लाम कहते हैं मलाइका से उसकी दोस्ती हो जाती है। जो नमाज शब का पाबंद हो जाए तो मलाइका उसके दोस्त हो जाते हैं। छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, छठे इमाम शाह फरमाते हैं नमाज शब के जिस्मानी फायदे भी हैं, रूहानी फायदे भी हैं। नमाज शब के दुनिया के फायदे भी हैं, आखिरत के फायदे भी हैं। कैसे? छठे इमाम शाह फरमाते हैं जो नमाज शब पढ़ता है अल्लाह उसको खूबसूरत बना देता है, उसका चेहरा नूरानी हो जाता है। जो नमाज शब पढ़ता है अल्लाह उसका अखलाक बेहतरीन बना देता है। जो नमाज शब पढ़ता है अल्लाह उसके जिस्म को खुशबूदार बना देता है। जो नमाज शब पढ़ता है अल्लाह उसके दुखों को दूर कर देता है। जो नमाज शब पढ़ता है अल्लाह उसके रिस्क में बरकत दे देता है। जो नमाज शब पढ़ता है अल्लाह उसके दुश्मनों को दूर कर देता है। यानी एक नमाज शब है, फायदा जिस्म को भी है, फायदा रूह को भी है, फायदा दुनिया में भी है, फायदा आखिरत में भी है। और इस तरह अगर हम इस नमाज शब को अपने बच्चों को आदत डालें, हम सब तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है कि हम और आप इसके पाबंद है, हमें अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को इसका पाबंद बनाना है। अच्छा, जब बात 11 रकत की हो, अब बच्चों से कहें 11 रकत पढ़े तो भाई बड़ा मुश्किल है, 11 रकत नमाज कैसे पढ़े? तो बच्चों को 3 रकत से आदत डालिए, 3 न सही 1 रकत से डालिए आदत, नमाज फितर पढ़ाइए। ये नमाज शब है, जब बच्चों को एक ही आदत पड़ जाएगी तो बच्चे 3 पर आएंगे, शफा और वितर पढ़ेंगे, जब इसके पाबंद हो जाएंगे तो फिर 11 रकत भी पढ़ेंगे। और मुस्तहब इबादत में अल्लाह ने इतनी गुंजाइश रखी है, अगर तुम 11 की 11 रकतों में फकत अलहम पढ़ लो तो भी काफी है, अगर चलते फिरते नमाज पढ़ो तो भी अदा हो जाएगी। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि अगर कोई नमाज शब ना पढ़े तो अल्लाह के आगे क्या माजरत पेश करेगा, क्योंकि अल्लाह ने तो इस मुस्तहब नमाज को ऐसे रखा है अगर चलते फिर रास्ते में हो, गाड़ी में बैठे हो। अब आयतुल्लाह सिस्तानी के मुकल्लिदीन को तो आसानी है ना, या मिशा के बाद भी पढ़ सकते हैं, कहीं जा रहे हैं, थके हुए हैं, गाड़ी में बैठे हैं, बावजू हैं, नमाज शुरू कर दी, चलते फिरते पढ़ सकते हैं आप, खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो मुस्तहब नमाज बैठ के पढ़ सकते हैं, अगर बहुत सूरे नहीं पढ़ सकते फकत अलहम से पढ़ सकते हैं। तो मेरे उस्ताद कहते थे इतनी गुंजाइश अल्लाह ने रख दी है कि बंदा किसी तरह इनकार ना कर सके, और मैं इसको इसका अजर स्वभाव बता करूं। तो कोशिश कीजिए कि हम अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को आदि बनाएं, आदत डालें। और यकीन जानिए आदतें बचपन में पड़ती हैं। बचपन में हमने जो बाबा ब्लैकशिप पढ़ी थी वो अब तक याद है, ना याद करना चाहें तब भी उसके वर्ड्स याद है। अगर हम बच्चों को इसी उम्र से अपने दीन के वाजिबात सिखाने लगेंगे तो बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। बस फर्शी अज़ा पे दुआ करनी है, और इंशाल्लाह परवरदिगार आलम हमारे बच्चों को, हमको सबको नमाज शब पर इस्तेकामत के साथ कायम रखे। दुआ मांगिए तो बाबा से बुलंद सलवा कहा था, मैं जा रहा हूँ दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और मेरे अहले बैत। और मैं शुक्र अदा करती हूँ, हम सब शुक्र अदा करते हैं इमाम हुसैन का, जब हम फर्शे अज़ा पे आते हैं तो हम प्रैक्टिकली प्रूफ कर रहे होते हैं,
मौला हम आपके नाना की हदीस नहीं भूले, ना हमने कुरान को छोड़ा ना हमने अहले बैत को छोड़ा, हम कायम इस हदीस पर और हौज़े कौसर पे हमें अपने नाना के हाथों से जान दिलवाइएगा। तो इस फर्श अज़ा पे आके इस अश्रे अव्वल में मेरा उन्वान है कुरान और वारिस कुरान, और मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ जो खूबी कुरान की है वही खूबी आले मोहम्मद ने दी है। आज एक और खूबी का तस्करा करूंगी। कुरान की एक खूबी यह है कुरान अकलों को हैरान कर देता है। कुरान में 1400 बरस पहले अल्लाह ने आयतें नाजिल की कि माँ के पेट में बच्चे की खलकत कैसे बनती है। उस जमाने में अल्ट्रासाउंड तो नहीं था ना कि भाई देख के बता दिया, जब कुछ भी नहीं था। आज के डॉक्टर हैरान होते हैं कि कुरान जब नाजिल हुआ कैसे अल्लाह ने बता दिया। यानी देश बहा आयतें हैं जो प्रूफ पेश करती हैं कि कुरान इल्हामी कलाम है, इल्हामी आयतें अकलों को हैरान कर देती है। इसी तरह आले मोहम्मद के फजाइल भी अकलों को हैरान कर देते हैं, आले मोहम्मद के मसाइब भी अकलों को हैरान कर देते हैं। तो इस बात की वजाहत के लिए एक एक रिवायत आपके सामने पेश करूंगी। सबसे पहले रिवायत किताब वाकयात कुरान से। कबीलों में जब इस्लाम जनाब हमजा ने कबूल कर लिया तो अरब के कबीलों में बड़ी बहस थी। अब तो हमजा भी मुसलमान हो गए, अब तो इस्लाम बहुत तरक्की कर जाएगा, ये जो नया दीन मोहम्मद मुस्तफा लेके आए हैं हम कैसे इसको खत्म करें। तमाम कबीले के सरदार बैठे और मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग में अतबा बिन रबिया भी है, जो बड़ा उसकी बात लोग सुनते थे और बड़ा अकलमंद मशहूर था। अतबा बिन रबिया भी मौजूद है और लोग कह रहे क्या करें कि मोहम्मद को मना कर दें ये दीन ना फैलाएं। अतबा बिन रबिया कहता है मैं जाता हूं मोहम्मद मुस्तफा के पास और जाके उनको दौलत का इख्तदार का लालच देता हूं और उनको औरत के बारे में जिस औरत से वो कहे हम शादी कर देंगे ताकि वो ये दीन फैलाना छोड़ दें, दीन फैलाने से बाज आ जाएं। अतबा बिन रबिया रसूल इस्लाम के पास गया, जब पहुंचा तो रसूल इस्लाम से कहता है आप जो इख्तदार मांगे जिस कबीले की सरदारी मांगे हम देने को तैयार हैं, आप जितनी दौलत मांगे हम देने को तैयार हैं, आप जिस औरत पे हाथ रख दें उससे शादी करने को तैयार हैं, जो आप मांगेंगे हम आपको देंगे मगर आप इस दीन को फैलाना छोड़ दें। जब वो बोल चुका तो रसूल इस्लाम ने कहा तुमने अपनी बात खत्म कर ली? हां मैं बोल चुका। अब रसूल इस्लाम ने कहा तुम अल्लाह का कलाम सुनो। रसूल इस्लाम ने उसके सामने सूरह फुस्सलत की आयात पढ़ना शुरू की। सूरह फुस्सलत पे है ना शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम किताबुन फुस्सलत आयातुहु मन लौकाना यालमून, यानी अल्लाह के सामने सूरह खुदा ने सूरह फुस्सलत की आयतें पढ़ी और वहां तक पढ़ी जहां पे सजदा वाजिब हो जाता है। 30 आयतों से ज्यादा रसूल ने वहां तक पढ़ी जहां पे आए सजदा है, सजदा किया और फिर उससे कहा। अब गौर से सुनिएगा अकलों को कुरान कैसे हैरान करता है। अब रसूल ने उससे पूछा जो अभी बोल रहा था रसूल के सामने, रसूल ने कहा अतबा तुमने अल्लाह का कलाम सुना? अब वो खामोश है और किताब ने लिखा है कि वो टिकटिकी बांधे रसूल खुदा को देख रहा था, कोई जवाब नहीं दिया। रसूल ने फिर कहा अतबा तुम सुन रहे हो? तुमने अल्लाह का कलाम सुना? देखिए हम और आप कलाम पढ़े तो हमें तर्जुमा पढ़ने की फिक्र है, मायने नहीं समझ पाते, मगर वो तो अरब है, जब रसूल पढ़ रहे थे वो समझ रहा था। अब रसूल कहते हैं अदबा तुमने आयत कुरान सुनी? वो रसूल के चेहरे पे देख रहा है एक लफ्ज नहीं बोल सका। उठा, उठ के अपने कबीले में आया। जब अपने कबीले में आया तो लोगों ने उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ लिया कुछ हुआ है। जब वो करीब आया तो पूछा अदबा क्या हुआ? कहा मोहम्मद को उसके हाल पे छोड़ दो। कहा क्यों? कहा देखो अगर मोहम्मद को शिकस्त होती है तो लोग मिलकर इसको मार देंगे, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसको इख्तदार मिलता है तो तुम भी तारीफ कर लेना, तुम्हारे कबीले का है। जब उसने ये जुमला कहा तो बाकी बैठे हुए सारे कबीले के सरदार कहते हैं देखा मोहम्मद के कलाम ने इस पर भी जादू कर दिया, ये भी अपने हवासों में नहीं, अजीब बात कह रहा है, क्या कहने गया था और आके क्या कह रहा है। यानी कुरान ऐसी सिफत यह है कि वो अकलों को हैरान कर देता है, पहचानो खुदा क्या कह रहा है। और अहले बैत में भी यही सिफत है, अहले बैत अकलों को हैरान कर देते हैं और कैसे हैरान करते हैं? मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मौलाए मुत्तकियान ने फतह की है। कैसे फतह की है? खैबर के लिए रसूल ने लश्कर भेजा और जब लश्कर को भेजते हैं रसूल जाओ फतह पा के आओ। खैबर वो किला था जो यहूदियों ने बनाया था,
بنایا تھا اس لیے کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کا اتباع کریں گے، ان کو قبول کریں گے، مگر پھر اسی نبی کے خلاف استعمال ہونے لگا، اور وہاں ان کے بہت مضبوط جوان تھے، وہاں پیسہ تھا، دولت تھی، وہ مضبوط قلعہ تھا، اس کو فتح کرنا تھا، رسول نے لشکر بھیجا، مگر جب لشکر جاتا ہے تو پلٹ کے آتا ہے تو کبھی کہتا ہے سردار کہتا ہے کہ لشکر بھاگ گیا، اور کبھی لشکر کہتا ہے کہ سردار بھاگ گیا. 39 دن گزر گئے، 39 ڈیز گزر گئے اور خیبر فتح نہیں ہو رہا. جب خیبر فتح 39 دن تک نہیں ہوا، اب بچے پوچھیں گے یا بچے جو میری ریکارڈنگ سن رہے ہیں، کیا مولا علی نہیں تھے جو فتح نہیں ہوئی؟ ہاں مولا علی نہیں تھے، اسی لیے 39 دن لگ گئے. مولا علی کی آنکھوں میں انفیکشن تھا، آنسو پہ چشم تھا، مولا نہیں آئے تھے. تو اب جب 39 دن گزر گئے تو رسول نے کہا کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا، جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے. جب رسول نے یہ کہہ دیا کل علم دوں گا، اب جتنا لشکر تھا رات بھر لشکر کے لوگ بے چین رہے. دیکھو کل علم کس کو ملتا ہے، سب کو تو یہ پتا ہے کہ علی آئے نہیں ہے تو علی کا تو سوال ہی نہیں ہے. دیکھو کل علم کس کو ملتا ہے، کہتے جب صبح ہوئی نماز فجر پڑھ لی تو جتنا لشکر تھا، روایتوں میں لفظ لکھے لوگ پنجوں کے بل پہ کھڑے تھے. کیوں؟ کہ ہمارا سر نظر آ جائے اور ہمیں علم مل جائے. جب رسول اسلام نماز پڑھا کے پلٹے لوگ کی طرف، اس چند لمحے پہلے جبرائیل آئے تھے اور رسول کے پاس حدیث قدسی لے کر آئے تھے. حدیث قدسی ناد علی، حدیث قدسی جو ہے وہ ناد علی ہے، اور ناد علی میں کیا ہے؟ ناد علی مظہر العجائب. ناد عربی میں کہتے ہیں پکارنے کو، علی کو پکارو تو صحیح، مظہر العجائب، ان کی ذات سے تمہیں عجائبات نظر آئیں گے. اچھا میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اللہ پروردگار تیرا حبیب سب سے بلند و برتر ہے، سب سے بڑی ہستی ہے کائنات کی، تو حبیب سے کیوں بھلوا رہا ہے؟ تو خود علی کو بھیج دے، اپنے حبیب سے کیوں بلوا رہا ہے؟ تو یقیناً خدا کی بارگاہ سے یہی جواب آئے گا، اس لیے رسول کی زبان سے نکلوا رہا ہوں. رسول آج پکاریں گے تو بعد کے پکارنے والوں کے لیے سنت بن جائے گا، اور رسول اگر آج نہ پکاریں گے تو بعد کے پکارنے والوں کے لیے بدعت بن جائے گا. اس لیے اپنے حبیب سے کہہ رہا ہوں کہ پکارو، اور جب پکارا ہے تجد ہو ان لگا فی نوائب، تم انہیں اپنا مددگار پاؤ گے مصیبتوں میں. رسول نے جب ناد علی آ گئی تھی، رسول نے ناد علی پڑھی اور کہا عین علی، علی کہاں ہے؟ کس نے کہا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے اور وہ نہیں آئے ہیں مدینے میں؟ کہا علی کو بلاؤ. جب علی کو خبر پہنچی، مدینے سے علی آئے، مولا کائنات اپنی آنکھوں کو کھول نہیں پا رہے تھے، اتنی تکلیف تھی، اتنی آنکھیں سرخ تھی کہ مولا اپنی آنکھوں کو کھول نہیں سکتے تھے. کیسے آئے؟ ایک ہاتھ ابو ذر کے کندھے پہ اور ایک ہاتھ سلمان فارسی کے کندھے پہ. اس شان سے میرا مولا علی آیا ہے اس میدان میں. جب آئے ہیں تو رسول اسلام پوچھتے ہیں علی آنکھوں میں بہت تکلیف ہے؟ کہا اللہ کے رسول اتنی تکلیف ہے کہ میں آنکھوں کو کھول نہیں سکتا. رسول اسلام نے اپنی انگشت مبارک کو اپنے لعاب دہن سے تر کیا اور علی کی آنکھوں میں لگایا، اور ایسے آنکھیں کھولی جیسے قرآن کے ورق پلٹتے ہیں. جب مولا کائنات نے آنکھیں کھول لی، رسول اسلام نے علم دیا، کہا علی جاؤ. کہا مولا کب تک لڑنا ہے؟ کہا جب تک فتح نہ ہو جائے، تم فتح کر کے آؤ گے. مولا علم لے کے گئے، اب سامنے خیبر کا قلعہ ہے، ذرا تصور چشم میں لائیے وہ منظر، سامنے خیبر کا قلعہ ہے. خیبر کے قلعے میں مرحب جیسا مشہور پہلوان ہے، اور مرحب کے ساتھ ایک نجومی کھڑا ہوا ہے. مولا علی گئے اور علم لے کے پتھر پہ مارا، پتھر موم بن گیا، علم گڑ گیا. جب علم مولا علی نے جب وہ علم پتھر پہ گاڑا، پتھر سخت ہوتا ہے مگر علم کے لیے وہ پتھر موم جیسا بن گیا، گڑ گیا. جب گڑ گیا تو مرحب قلعے کے اندر ہے، اس نجومی سے کہتا ہے یہ کیا ہوا؟ کہ نہ گھبراؤ، یہ اس جوان کا کمال نہیں ہے، آسمان پہ فلا برج جب فلا ستارے کے سامنے آ جائے تو اس کے لیے پتھر بھی موم بن جاتا ہے، یہ اس جوان کا کلام نہیں ہے. امامت کے کانوں نے یہ جملے سنے، علی کے کان میں آواز آئی. علی کی سماعت ہماری سماعت کی طرح نہیں ہے، مولا کے کان میں یہ آواز آئی. مولا نے علم کو نکالا، ایک پتھر پہ گاڑا، پھر نکالا،
दूसरे पत्थर पे गाड़ा, फिर निकाला, तीसरे पत्थर पे गाड़ा। अब जब गाड़ दिया तो नजूमी से पूछता है महाराज अब क्या हुआ। कहा खबरदार इस जवान से मत लड़ना, जब ये जवान अलम निकालता है बुर्ज अपने रास्ता छोड़ देता है, जब ये अलम गाड़ता है बुर्ज पलट के आ जाता है, ये जमीन पे गैठ कर आसमान के सितारों को घुमा रहा है। सलवार पे जाओ। गैरों की अक्ल हैरान है, जो सिफत कुरान की है वो सिफत वारिस कुरान की। गैरों की अक्ल हैरान है कि मौला किस तरह पत्थर पे अलम गाड़ रहे हैं। और जब मौला ने मरहब बाहर आया है तो मौला कहते हैं तू वापस पलट जा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तो कहा नहीं पलट के नहीं जाऊंगा, औरतें मजाक उड़ाएंगी। कहा इस्लाम कबूल कर ले। कहा इस्लाम भी कबूल नहीं करूंगा। तो मौला कहते अच्छा तुम घोड़े से उतरा, मैं जमीन पर हूं तू भी जमीन पर आ। और मौला की एक ही जरब ने उसका काम तमाम किया। जब कत्ल हो गया मरहब, लिखा है ना शायरों ने मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, सदका जुल्फिकार का सदका उतार के अली ने फेंका था। यानी अली ने अपने जुल्फिकार का सदका उतार के फेंका था। जब मरहब कत्ल हो गया अब मौलाए कायनात आगे बढ़े, खैबर का किले का दरवाजा है और वो दरवाजा जिसे 70 आदमी मिलकर खोलते थे, इतना वजनी दरवाजा अली ने हाथों की उंगलियों में पकड़ा है। और जब झटका दिया है वो दरवाजा उखड़ गया, अली ने उंगलियों से एक हाथ की उंगलियों से उस दरवाजे को उठा के जमीन पे रखा। लश्कर इस्लाम से कहा इसके ऊपर से गुजर के जाओ, दाखिल हो जाओ किले में। अब जब लश्कर इस्लाम गुजर रहा है, अली के हाथों पे दरवाजा है, कुछ लोग दौड़े दौड़े गए रसूल के पास। रसूल इस्लाम आज तो अजब बात हो गई, आज अली दरवाजा पकड़े जो 70 आदमी मिलकर खोलते थे, लश्करे इस्लाम उसके ऊपर से गुजर रहा है। तो रसूल इस्लाम मुस्कुरा के कहते हैं फकत अली के हाथों को देखा, अली के पैरों को नहीं देखा। अब जब अली के पैरों को कहा दौड़ के आए, देखा अली के पैर जमीन पे नहीं थे, हवा में मुअल्लक थे। और ये ऐलान कर रहे थे जो अबू तुराब हो उसको तुराब खींच नहीं सकती। सलाह के फजाए गैरों को भी हैरान कर दिया और अपनों को भी हैरान कर दिया। जो फजीलत कुरान की है वही फजीलत वारिस कुरान की है। और सदका है आले मोहम्मद का कि हम मजलिस हुसैन में कुरान से आयतुल कुर्सी को समझ रहे हैं। आयतुल कुर्सी में कल की मजलिस तक हम इस मंजिल पर पहुंचे थे कि अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ, फिर अल्लाह ने अपनी सिफात को गिनवाया अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, तुम्हारा खुदा जिंदा है कायम है, ना उसे ऊंग आती है ना उसे नींद आती है। और आज की मंजिल में बहस शुरू करूंगी इसके आगे, मगर पहले आपको एक फजीलत बयान कर दूं। आयतुल कुर्सी की फजीलत इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम मूसी काज़िम इरशाद फरमाते हैं जो वक्ते ज़वाल से पहले, वक्ते ज़वाल के बाद हमारी जोहर का टाइम शुरू हो जाता है, वक्ते ज़वाल से पहले जो दो दो रिकत करके चार रिकत नमाज पढ़े और हर रिकत में एक मरतबा अलहम्द एक मरतबा आयतुल कुर्सी, यानी चारों रिकत में जो दो दो रिकत करके पढ़ी जाएंगी एक मरतबा अलहम्द और एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े, और जो ये नमाज पढ़ेगा सातवें इमाम कहते हैं अल्लाह उसके माल को, उसके जिस्म को, उसकी औलाद को, उसकी दीन को, उसकी दुनिया को महफूज कर देगा, यानी मुकम्मल आफियत मिल जाएगी। जब इंसान की आल औलाद जिस्म जान माल दीन दुनिया सब महफूज हो जाए तो उसे आफियत मिल जाएगी। तो अब ये फजीलत आयतुल कुर्सी है कि जो इस तरह की नमाज पढ़ेगा उसको यह अजर मिलेगा। एक और फजीलत आपके सामने बयान कर दूं, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ता है परवरदिगार आलम उसको हजार बुराइयां दुनिया की 1000 बुराइयां उससे दूर कर देता है और 1000 आखिरत की तकलीफें उससे दूर कर देता है। 1000 जो बुराइयां दुनिया की दूर करेगा ना तो पांचवें इमाम कहते हैं उसमें कम तरीन बुराई यह है कि उससे अल्लाह गुर्बत को दूर कर देगा, फख्र को दूर कर देगा, और कम से कम तकलीफ जो आखिरत की है अल्लाह उससे अजाब कब्र दूर कर देगा। यानी अगर हम आयतुल कुर्सी पढ़ें तो अजाब कब्र भी हमसे दूर हो जाए और दुनिया में गुर्बत भी हमसे दूर हो जाए। क्यों? यह आयतुल कुर्सी की फजीलत है। वो आयतुल कुर्सी जो अर्श से चिमटी हुई थी अल्लाह के इतने कुर्ब में थी उसकी अगर हम तिलावत करें तो अल्लाह हमें इतना अजर व सवाब अता करेगा। और आयतुल कुर्सी को हम समझते हुए इस मंजिल तक पहुंच रहे लहू माफिस समावात व माफिल अर्ज़,
अल्लाह अपने इख्तदार का तारुफ करवा रहा है। क्या लहू माफिस समावात व माफिल अर्ज, जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब अल्लाह का है। जमीन और आसमान में क्या क्या है मैं और आप तो जान भी नहीं सकते। आज तक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि आसमान के सातों तहों में क्या है, जमीन के सातों तहों में क्या है, मगर जो कुछ भी है सब अल्लाह का है। तो जो अल्लाह ऐसा खल्क करने वाला कि क्या क्या खल्क कर दिया, आज तक हम सरगश्त हैं, हम ढूंढ रहे हैं क्या है जमीनों में, क्या है आसमानों में, तो मैं अकल मेरी हैरान रह जाती है, ऐसे खुदा के मुकाबले में कैसे खड़े हो गए फिरौन, नमरूद, शद्दाद और यजीद जैसा मलाऊन हुसैन मजलूम के सामने खड़ा हो गया, खुदा की हुज्जत के सामने। वो खुदा जो ये सब कुछ हल कर सकता है, कोई एक इंसान खाकी कैसे उसके मुकाबले खड़ा हो सकता है। मगर अगर हम खुदा के इख्तदार को पहचान लें तो हम कभी गुमराह ना होने पाए, कभी गफलत हमारी आंखों में ना आने पाए। और जो अल्लाह को पहचान लेता है उसके इख्तदार के साथ, उसकी ताकत के साथ, फिर उसका सर खुदा के सामने झुका रहता है, उसको हिदायत मिल जाती है। कैसे, एक रिवायत बयान कर दूं, सातवें इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम सातवें इमाम बगदाद की गलियों से गुजर रहे थे, और जब एक गली से इमाम गुजर रहे हैं तो एक घर से गाने बजाने की, शोर शराबे की आवाजें आ रही है, शराब और शबाब की महफिल है और बाहर तक शोर की आवाज आ रही है। एक बार की उस घर से एक कनीज निकली और वो कूड़ा फेंकने बाहर आई थी। वो घर किसका था? बुशर हाफी का घर था। कनीज बाहर आई, सातवें इमाम ने उस कनीज को देखा, कहा ये बताओ तुम्हारा मालिक आजाद है या गुलाम है? कहा नहीं, मेरा मालिक आजाद है, गुलाम क्यों होगा, मेरा मालिक आजाद है। ये कह के उसने कूड़े का डब्बा खाली किया और घर के अंदर गई। जब घर के अंदर गई तो बुशर ने पूछा तुमने इतनी देर क्यों लगाई? कहा मैं तो कूड़ा फेंकने गई थी, मगर एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने मुझसे सवाल किया तुम्हारा मालिक आजाद है या गुलाम है, तो मैंने कहा मेरा मालिक आजाद है। तो उन्होंने कहा हाँ लगता है वाकयन आजाद है, अगर गुलाम होता तो अपने आका से डरता, अपने आका को नाराज ना करता। बस ये इमाम के जुमलों का सुनना था उस कनीज के मुंह से, एक बार की बुशर खड़ा हो गया और नंगे पैरों घर से बाहर निकला, गलियों में नंगे पैर दौड़ा। कौन था जो ये जुमला कह के गया है? ढूंढते ढूंढते उसने इमाम को पकड़ लिया, साथी इमाम के हाथ पास आया और इमाम के हाथों पे हाथ रख के कहता है मौला मैं वाकई आजाद था, अब गुलाम बनना चाहता हूँ, मौला मेरे गुनाह बख्शवा दीजिए, मैं गुलाम बनना चाहूँ। देखिए जो आब्द है ना, हम कहते हैं हम आब्द हैं, वो माबूद है। अरबी जबान में आब्द के एक मायने ये भी हैं कि आब्द माने गुलाम, बल्कि मैं तो कहती हूँ हम गुलाम की हैसियत कहाँ रखते हैं? हमें जो खुदा ने खाक से बनाया, मर के फिर खाक हो जाएंगे, ये तो खुदा ने इज्जत दी जो इस दुनिया में चल फिर रहे हैं, ये तो खुदा ने इज्जत दी जो दुनिया में आसाइशों से हैं, वरना हमारी हैसियत क्या है? हम कुछ नहीं है उस खुदा के सामने। अब बुशर हाफी इमाम का हाथ पकड़ के कहता है मौला मैं गुलाम बनना चाहता हूँ, मेरी मगफरत करा दीजिए। मौला ने उसको कहा सिर्फ दिल से खुदा की बारगाह में तौबा करो। उसने उसी वक्त तौबा की और अपनी तौबा पे कायम रहा। और कैसे कायम रहा? फिर उसने कभी जूते नहीं पहने। क्यों? कहा मैंने नंगे पांव इमाम का हाथ पकड़ के तौबा की थी, अब मैं कभी जूते नहीं पहनूंगा, ऐसा ना हो जूते मेरे पांव में, मैं फिर भूल जाऊं कि मैं खाकी हूं। सारी जिंदगी उसने जूते नहीं पहने और किताबों में लिखा है जब तक वो जिंदा रहा जिन गलियों से वो गुजरता था उन गलियों में जानवर अपनी गिलाजत नहीं डालते थे, परिंदे अपनी गिलाजत नहीं डालते थे। लोगों को पता था कि यहां से बुशर गुजरता है तो वो परिंदे उन गलियों को गंदा नहीं करते थे। क्यों? ये खुदा का हुक्म था, जिसने सच्ची तौबा किया, अजर देने वाला खुदा है। और जब एक बार एक मुसाफिर आया, देखा कि आज गलियों में जानवरों की नजासत है, बुशर के घर पे पहुंचा तो पता चला कि उसका अभी इंतकाल हो गया है। तो जो सच्ची तौबा कर ले, जो हिदायत पा जाए, खुदा का इख्तदार देख कर ही हमारे सर झुक जाने चाहिए। हम क्या हैं? हमें तो अभी कब्र में जाके एक एक सांस का हिसाब देना है। देखिए हमारा घर बने तो हमारी मर्जी हो, हमारे कमरे में पेंट हो रहा हो हमारी मर्जी हो, हमारे कमरे के कर्टन चेंज हो रहे हो हमारी मर्जी हो, किस रंग की कबर लाके लगाएंगे हमारी मर्जी हो, अपने कमरे की सजावट, अपनी गाड़ी की सजावट, अपने घर की सजावट में हम सब अपना अमल दखल रखते हैं। कभी हमने ये सोचा हमारी कबर भी हमारी मर्जी की हो?
कब्र के अंदर भी तो हालात हमारी मर्जी के हों और हो सकते हैं अगर हम खुदा बुजुर्गों बरतर के हुक्म पे अमल करें। और कैसे हो सकते हैं? रसूल खती मरतबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा। रसूल इस्लाम कहते हैं हर कब्र जो उसने दफन होगा उसके लिए कब्र पांच मरतबा आवाज देती है। अच्छा, हम सुन क्यों नहीं पाते? हमारी समातें महदूद हैं। क्यों महदूद हैं? कभी बैठ के घर में गौर कीजिएगा, कभी मुसल्ले पे नमाज खत्म करने के बाद मुसल्ले पे बैठ के सोचिएगा, अगर अल्लाह मियां हम पे बड़ा मेहरबान हो गया हमारी समातों को बढ़ा दे तो क्या हम जी सकेंगे? फला जगह हमारी गीबत हो रही है, हमारे कानों में आवाज आ रही, जाए उसको पकड़ के मारे, उसने क्यों कहा, फला हमारी बुराई कर रहा है उसको खत्म कर दे। यानी हमारी ज्यादा समात हमारे हक में बेहतर नहीं थी, इसीलिए अल्लाह ने नहीं दी। अल्लाह को ना देके कोई फायदा नहीं है, इसीलिए अल्लाह ने नहीं दी। हमारी नजर की बसीरतों को अल्लाह ने महदूद कर दिया। क्यों? हम बहुत दूर तक देख पाते तो न जाने हमारी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता। जैसे हजरत इब्राहिम ने कभी देखा था एक शख्स गुनाह कर रहा है, वरना इस पर अजाब नाजिल कर दे, वरना ये गुनाह कर रहा है इस पर अजाब नाजिल कर दे। तो एक मरतबा अल्लाह ने कहा इब्राहिम ये मेरी मखलूक है, तुम दुआ कर रहे हो, तुम नबी हो, मैं अजाब नाजिल कर दूंगा, मगर मैं अजाब फौरन नाजिल नहीं करता, शायद ये तौबा कर ले, शायद ये राह रास्त पे आ जाए। वो अरहमुर राहमीन खुदा है। तो हमें कब्र की आवाज नहीं आती है, वरना ये कब्र हमें पांच मरतबा पुकार के कहती है। पहली मरतबा कहती है मैं तारीकी का घर हूं, मेरे लिए चिराग लेते आना। लोगों ने पूछा रसूलल्लाह कब्र का चिराग क्या है, कब्र तो अंधेरी होगी। कहा नमाज शब कब्र का चिराग है, जो नमाज शब पढ़ता रहेगा उसकी कब्र नूरानी होगी। फिर रसूल कहते हैं कब्र कहती है कि मैं एक उजड़ा हुआ घर हूं, आना तो यहां आने के लिए कोई मददगार लेते आना। लोगों ने रसूल से सवाल किया रसूलल्लाह कब्र के लिए मददगार कौन है? रसूल इस्लाम कहते हैं तिलावत कुरान। तुम जितना भी देखिए अल्लाह की, अल्लाह का रहम तो देखिए, अल्लाह ने ये कहीं नहीं कहा कि रोजाना एक सिपारा पढ़ो। नहीं भाई, पांच लोग नहीं पढ़ सकते, जिंदगी मसरूफ है। बस इतना कहा चाहे तुम एक सूरा पढ़ो, चाहे दस आयतें पढ़ो, चाहे सत्तर आयतें पढ़ो, मगर कम अज कम हर मोमिन रोजाना दस आयतें जरूर पढ़े ताकि वो काफिलों में लिखा ना जाए। तो कहा कि अगर तुम कुरान की तिलावत करोगे तो परवरदिगार आलम उस घर के लिए तुम्हारे मददगार दे देगा। फिर कहा तीसरी मरतबा वो कब्र सदा देती है, मैं मिट्टी का घर हूं, यहां आना तो अपने लिए बिस्तर लेते आना। ये आराम का घर नहीं है। तो उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल अब क्या करें, उस घर में हमें बरज़ख में रहना है, न जाने कितने साल रहना है जब तक कयामत आएगी। तो कहा उस घर के लिए बिस्तर क्या है? तुम्हारा अमले सौले, तुम नेक काम करोगे तुम्हारे लिए इस कब्र में बरज़खी जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, तुम्हें जन्नत की हवाएं जन्नत की गजाएं मिलेंगी, तो ये घर तुम्हारे लिए पुरौनक हो जाएगा। फिर कहा जमीन आवाज देती है, कब्र आवाज देती है, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मेरे घर में आना तो जहर की दवा लेते आना ताकि कीड़े मकोड़े तुम्हें नुकसान ना पहुंचाएं। किसी ने कहा अल्लाह के रसूल हम कीड़े मकोड़ों से कैसे बचे? तो कहा जो जिंदगी भर अस्तगफार करता है उसके लिए वो कीड़े मकोड़े वहां नहीं होंगे कि उसके जिस्म को तकलीफ पहुंचा पाए। हमेशा याद रखिए कसरत से सलवात पढ़ना, कसरत से कुरान पढ़ना, कसरत से अस्तगफार करना, ये तीनों चीजें हमारी जिंदगी से निकलनी चाहिए। अगर अभी आदत नहीं है एक तस्बीह से शुरू करें, भले एक तस्बीह से सलवार शुरू करें और इंशाल्लाह हम हजार दस हजार तक पहुंचे, मगर सलवार, मगर तिलावत कुरान, मगर अस्तगफार, तीनों चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। रसूल कहते हैं जो जिंदगी में अस्तगफार करेगा कब्र में कीड़े मकौड़े उसको खाने को नहीं मौजूद होंगे। फिर कहा पांचवी आवाज कब्र ये कहती है कि मैं उजड़ा हुआ घर हूं, फिक्र फाका का घर हूं, मेरे लिए खजाना लेते आना, मेरे पास गुर्बत ही गुर्बत है। तो लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या है खजाना? तो रसूल कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। और यकीन जानिए हमारे उलमा, हमारे मराजे, हमारे उर्फा जब भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, आप जरा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए फकत जबान हिलती है, किसी को पता भी नहीं चलता हम पढ़ क्या रहे हैं, रियाकारी भी नहीं होती है। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े? क्या कम अज कम रोजाना एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह जरूर पढ़ना। ये पढ़ना तुम्हारे आमाल को वजनी कर देगा
और तुम्हें बहिष्ट में, तुम्हें कब्र में इतना गनी कर देगा कि तुम्हें किसी के खजाने की जरूरत नहीं होगी। तो पता ही चला लहू माफिल समावात व माफिल अर्ज, वो जमीन व आसमान का मालिक है, मगर हम उसके हुक्म पर अमल करें तो हम दुनिया में जमीन के ऊपर हैं तब भी, और जब जमीन के नीचे चले जाएंगे तब भी खुदा हम सब का हामी और नासिर होगा। सलावत पढ़ी बाबा। अगली जो अगला जुमला है आयतुल कुर्सी का वो ये है, मंजिल लजी यशफहु इंदहु इल्ला बिइज़्नि, किसकी मजाल है जो खुदा की इजाजत के बगैर शफात करवा सके। अब ये आयत अल्लाह के इख्तदार को बता रही है और अल्लाह की मोहब्बत को बता रही है। दुनिया में हम लोग हैं, किसी को कोई काम कहें, एक दिन गलती की, दो दिन गलती की, तीन दिन गलती की, फिर तो हम हफ्ते भर के बाद उसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, निकाल दो उसको यहां से, काम करना नहीं आता। अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया भेज दिए जिन्होंने बता दिया जिंदगी कैसी गुजारनी है, 14 मासूम भेज दिए जो सिखा रहे हैं जिंदगी कैसी गुजारनी है, फिर भी अगर गलती कर रहे हो, अगर नामे अमाल में कुछ गुनाह है, तो अल्लाह ने शफाअत का दर खोल दिया। अब पहचानिए हमारी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा वो खुदा अरहमुर राहिमीन है। शफाअत क्या है? एक चीज है उसके साथ एक चीज को मिला देना, ये शफाअत कहलाती है। यानी हमारे अमाल है, नबी की, 14 मासूमीन की शफाअत मिल जाएगी, हम सब जन्नत में जाएंगे, इसे शफाअत कहते हैं। और ये शफाअत का अकीदा इतना जरूरी है कि रसूल अपनी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल इस्लाम कहते हैं जो तीन बातों का इनकार करेगा उसका ताल्लुक मुझसे नहीं होगा। वो तीन बातें क्या? पहली चीज मेराज। आज भी मुसलमानों के कुछ फिरके हैं जो कहते हैं रसूल को ख्वाब में मेराज हुई थी। नहीं, हमारे अम्मा मासूमीन कहते हैं रसूल अपने जिस्म मुबारक के साथ अर्श आला की बुलंदी पर गए, जिस्मानी थी मेराज। तो रसूल कहते हैं जो मेराज को ना माने वो मेरा पैरोकार नहीं हो सकता। दूसरी चीज, जो सवाले मुनकिर नकीर को ना माने, कौन खबर में आके सवाल करेगा, कोई नहीं पूछता। नहीं, रसूल कह रहे हैं जो सवाले मुनकिर नकीर को झुठलाएगा वो मेरा पैरोकार नहीं हो सकता। और तीसरी चीज, जो शफात को झुठलाएगा, कि शफात कोई नहीं होती, तो वो मेरा पैरोकार नहीं हो सकता। और शफात के लिए रसूल इस्लाम मौलाए कायनात से मुखातिब होकर कहते हैं, अली मुझे खुदा मकाम महमूद के बुलंद मर्तबे पे खड़ा कर देगा और मैं वहां खड़े होकर लोगों की शफात करवाऊंगा। रब्बे जलजलाल पूछेगा, आ रजई तो मोहम्मद, क्या मोहम्मद तुम राजी हो गए? और जब मैं लोगों की शफात करवा दूंगा तो मैं कहूंगा रजई तो मैं राजी हो गया कि तूने मुझे इतने लोगों की शफात का हक दिया। अच्छा, शफात कैसे करवाएंगे रसूल? किताबों में रिवायत मिलती है, ये रिवायत पांचवें इमाम हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, पांचवें इमाम कहते हैं जब अव्वलीन से आखरीन का मजमा होगा, हर नबी की उम्मत खड़ी होगी और हर शख्स परेशान है हम जन्नत में कैसे दाखिल हों, वो जगह जहां सूरज भी नहीं है और पसीना ऐसे बह रहा है कि एक आदमी के पसीने से 70 ऊंट प्यासे से हरा हो जाए, हर शख्स वहशत में है। माँ मोहम्मद बाकर कहते हैं तमाम लोग हजरत आदम के पास जाएंगे, आदम हमारी शफात करवा दें। आदम कहेंगे नूह के पास जाओ, नूह के पास जाएंगे कहेंगे तुम इब्राहिम के पास जाओ, इब्राहिम के पास जाएंगे कहेंगे तुम मूसा के पास जाओ, मूसा के पास जाएंगे जाओ तुम ईसा के पास जाओ, वो शफात करवाएंगे। हजरत ईसा के पास पहुंचेंगे कहेंगे रसूल खुदा के पास जाओ, जब रसूल खुदा के पास पहुंचेंगे तमाम मजमा, अल्लाह के हबीब हमारी शफात करवा दीजिए, हमें भी जन्नत में जगह मिल जाए। रसूल इस्लाम जन्नत के दरवाजे के सामने सर को सजदे में रख देंगे। यकीन मानिए, ये जो नमाज का आखिरी सजदा है ना, इसकी अहमियत को समझिए। खुदा क्या क्या ना दे दे जो सजदे में सर रख के और गिड़गिड़ा के मांगे, आंसुओं के साथ मांगे, खुदा क्या ना दे दे, इतनी मोहब्बत करने वाला खुदा है। रसूल इस्लाम जन्नत के दरवाजे के सामने सर को सजदे में रख देंगे और देर तक रसूल का सर सजदे में होगा, अल्लाह की हमदो सना कर रहे होंगे। पांचवें इमाम कहते हैं एक बार की अल्लाह की निदा आएगी, मेरे हबीब क्या मांगना चाहते हो, मांगो मुझसे। जब खुदा का हुक्म आया तो हबीब का सर सजदे से उठा, कबारे लहा मेरी उम्मत की शफात का हक मुझे दे दे। और फिर खुदा कहेगा जिसकी चाहे शफात करवाओ, रसूल इस्लाम शफात करवाएंगे और लोग दो जोग तो जोग जन्नत में दाखिल होंगे। तो परवरदिगार आलम हम सबको
ہمارے چاہتے معصومین کی شفاعت ہمیں نصیب کرے. دیکھیے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت ہے یوم ندعو کل اناس بے امامہم, ہم اس روز قیامت کے روز سب کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. میں تو سوچتی ہوں ہم تو 12 امامی ہیں, 12 اماموں کے سائے میں ہوں گے, جن کا ایک بھی امام نہیں ہے وہ یہ آیت پڑھتے ہیں تو سوچتے کیوں نہیں کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ہم اس دن سب کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے, ہم ہاتھوں کو جوڑ کے امام زمانہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں, مولا آپ ہمارے وقت کے امام ہیں, آپ کے دامن میں آپ ہمیں شفاعت دلوا دیجئے گا, ہم آپ کے پہلو میں چلتے ہوئے مولا جنت پہ داخل ہوں گے. اور یہ شفاعت کسی کو دنیا میں مل جاتی ہے, کیسے مل جاتی ہے؟ یہ روایت جو میں مجلس کی آخری روایت ہے, مصائب کی منزل ہے, یہ روایت محقق حلی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. اور کیا لکھا ہے؟ کوفے میں رہنے والا ایک مومن تھا, اس کو خواب میں رسول اسلام نظر آئے اور رسول اسلام کہتے ہیں میرا ایک کام کر دے گا؟ کہا اللہ کے رسول میری جان قربان, کیا کام ہے؟ کہا اپنے پڑوس میں جاؤ اور اس سے جا کے کہو خدا نے بچی کی دعا قبول کر لی, تجھے جہنم سے بری کر دیا. اب اس کی آنکھ کھلی, میرے پڑوس میں تو مجوسی رہتا ہے, مسلمان بھی نہیں رہتا, جو میرے رسول کو مانتا ہی نہیں, اب میں اس سے جا کے بولوں بچی کی دعا قبول ہو گئی, تم کو خدا نے جہنم سے بری کر دیا تو میرا مذاق اڑائے گا. ہمت نہیں ہوئی, نہیں گیا. سویا اگلے دن, اگلی رات کو جب دیکھا خواب میں, پھر رسول اسلام آئے, کہا تو نے میرا کام نہیں کیا, میرا کام کر دے, اس سے جا کے کہہ دے کہ میرے رسول نے بچی کی دعا قبول کر لی. صبح آنکھ کھلی, پھر پریشان بیٹھا ہوا ہے, میں کیسے جاؤں, یہ بات تو پورے شہر میں مشہور ہو جائے گی, لوگ مجھے دیوانہ سمجھیں گے. نہیں ہمت ہوئی. تیسری رات پھر رسول خواب میں آئے اور رسول جلال میں, اگر تو نے یہ بات اس سے نہ کہی تو میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو میرا ماننے والا نہیں ہے. اب رسول نے دھمکی دے دی, اب اٹھا ڈرتا ہوا گیا پڑوس میں, دروازہ کھٹکھٹایا, مجوسی نے دروازہ کھولا, کہا میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, میں گھر کے اندر آ کے بولوں گا. کہا جاؤ. گھر کے اندر گیا, کہا میرے رسول نے مجھ سے خواب میں کہا ہے بچی کی دعا قبول ہو گئی, تمہیں جہنم سے بری کر دیا. جیسے ہی اس نے جملہ کہا نا, وہ مجوسی کہتا مجھے کلمہ پڑھاؤ, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ تو مجھے کلمہ پڑھاؤ. اس نے کلمہ پڑھایا, وہ مسلمان ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا جب میں مجوسی تھا نا تو میرے گھر میں میری بچی کی شادی تھی, کھانا پکا تھا, جب میرے کھانا پک گیا تو میرے پڑوس میں جو ایک گھر ہے وہاں یتیم اور بیوہ رہتی ہیں, شوہر کا انتقال ہو گیا اور ایک چھوٹی سی بچی, غریب لوگ ہیں, کبھی کبھی کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا. جب میں اپنے مہمانوں کو کھانا کھلا رہا تھا تو اس گھر کی بچی کی آواز میرے کانوں میں آئی, اماں مسلمانوں نے ہمیں نہیں پوچھا, یہ تو پھر مجوسی اماں, اس کے کھانے کی خوشبو میری بھوک بڑھا رہی ہے. جب یہ کہا جملہ تو کہا مجھے سوچ کے میرا دل پسیج گیا, میں اولاد والا تھا, میں نے ایک مسلمان کو بلایا, مجھے پتا تھا مسلمان میرے ہاتھ کا نہیں کھاتے, میں نے مسلمان ایک باورچی کو بلایا اور اس نے کہا کہ جتنے کھانے یہاں پکے ہیں ان سب کے مصر تھوڑا تھوڑا پکا دو, اسے تھوڑا تھوڑا تمام کھانا پکا دیا. میں نے گھر کی کنیز کو کہا کھانا اٹھاؤ اور لے کے پڑوس میں گیا, کہا یہ کھانا اس مسلم باورچی نے پکایا ہے, کھڑا ہے اس سے پوچھ لو, اور یہ میری کنیز کھانا لے کے آئیے, یہ کھانا کھا لو. جب یہ کھانا وہ کنیز گھر کے اندر رکھ کے آئی تو بچی اپنی ماں سے کہتی ہے اماں یہ بہت اچھا ہے, اس نے ہمیں کھانا دیا, میں اپنے رسول سے کہوں گی, اللہ کے رسول اسے جہنم میں نہیں ڈالنا, اس کو جہنم کے عذاب سے بری کر دیں. یہ اس بچی کی دعا ہے جو رسول نے سن لی, اور رسول نے تمہیں پیغام دیا کہ میں نے تمہیں جہنم سے بری کر دیا, اس لیے میں نے کلمہ توحید پڑھ کر اسلام قبول کیا. تو شفاعت اس کو زندگی میں رسول کی مل گئی. بس ہم سب کو اللہ رسول کی شفاعت نصیب کرے. اور تین قسم کے لوگ, آخری روایت, تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو رسول کی شفاعت نہیں ملے گی. رسول کہہ گئے, پہلا شخص وہ جو شفاعت کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا, کوئی شفاعت نہیں ہوتی ہے, ایسے شیعہ لوگ بولتے ہیں, جو شفاعت کا عقیدہ نہیں رکھتا اس کو شفاعت نہیں ملے گی. دوسری قسم کے وہ لوگ جنہوں نے رسول کو اذیت دی ہے ان کو شفاعت نہیں ملے گی. میری نظروں میں وہ منظر آتا ہے, رسول وقت آخر قلم مانگ رہے تھے, مجھے قلم دوا دے تو, اور نعوذ باللہ کہاں ہزیان بول رہے ہیں. تو جس نے رسول کو اذیت دی ہے اس کو شفاعت نہیں ملے گی. اور تیسرے وہ لوگ جنہوں نے رسول کی آل کو اذیت دی ہے ان کو شفاعت
نہیں ملے گی. یہی خیال تھا جو حر کو امام حسین کی طرف لے آیا. شب عاشور تمام رات حر تڑپ رہا ہے. کیوں تڑپ رہا ہے حر؟ کہ میں مولا کو گھیر کے لایا تھا, پانی بند ہو گیا, تین دن سے حسین کے بچے پیاسے ہیں, آلتش آلتش کی صدائیں ہیں, حر بے چین ہے, بار بار اپنے خیمے سے باہر نکلتا ہے, بار بار خیمے میں آتا ہے, اگر نہ لاتا مولا کو تو آج مولا کے بچے پیاسے نہ ہوتے. بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے, بے چین ہے. پوری رات گزر گئی اور حر کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی. روزے عاشور نمودار ہوا, حر عمر سعد کے پاس گیا. کہا عمر سعد کیا آج جنگ ہوگی؟ ہاں آج ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کے اڑتے ہوئے اور بازو کٹ کے گرتے ہوئے نظر آئیں گے. جب حر نے یہ سن لیا تو حر ایک دم کانپنے لگا اور کانپتے ہوئے اپنے خیمے کی طرف بڑھا. ایک سپاہی اس کو دیکھ رہا تھا, قریب آیا. کہا حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا, مگر تو کانپ رہا ہے, کیوں کانپ رہا ہے؟ کہا اس لیے کانپ رہا ہوں اگر یہاں رہ گیا تو جہنم جاؤں گا اور اگر حسین کی طرف چلا گیا تو جنت میری منزل ہوگی. یہ کہہ کے حر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور جیسے ہی گھوڑے کو آگے بڑھایا پیچھے سے آواز آئی, بابا کہاں جا رہے ہیں؟ حر کا بیٹا علی ابن حر ہے, بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جہنم سے نکل کے جنت کے راستے پہ جا رہا ہوں, اگر میں یہاں رہ گیا تو روز قیامت فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا, ان کے لال کو پیاسا ذبح کر دیا, میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. بیٹا کہتا ہے بابا جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑے جا رہے ہیں, مجھے بھی لے چلیے. باپ بیٹے گھوڑے پہ سوار ہوئے, حسین کے خیموں کی طرف بڑھنے لگے. جیسے ہی حسین کے خیمے کے قریب آئے حر گھوڑے سے اترا اور بیٹے سے کہا بیٹا یہ رومال سے میرے ہاتھ باندھ دو, میں نے انہی ہاتھوں سے مولا کے اس گھوڑے کی لجام فرس کو پکڑا تھا. حر کے بیٹے نے حر کے ہاتھوں کو باندھ دیا. حر کہتا ہے بیٹے میری ابا کا دامن میرے چہرے پہ ڈال دے, یہ گناہگار کا چہرہ ہے, میں امام حسین سے نظریں نہیں ملا سکتا. حر کے بیٹے نے باپ کے چہرے پر ابا کا دامن ڈال دیا. اب حر آگے بڑھ رہا ہے, ایک بار یہ حر کا بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر. باپ پوچھتا ہے, حر کہتا ہے بیٹا کیا ہوا؟ کہ بابا حسین کے اصحاب استقبال کے لیے آ رہے ہیں. اور کیوں آ رہے ہیں؟ مولا حسین نے کہا تھا میرے اصحاب میرے جانساروں آگے بڑھو, میرا بھائی آ رہا ہے اس کا استقبال کرو. مولا کے اصحاب آگے بڑھے, میرے مولا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, ایسا چاہنے والا امام. ایک بار کی حضور آگے بڑھ رہے ہیں, چہرے پہ ابا کا دامن ہے نظر نہیں آ رہا, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ایک بار کی حر کا بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر. اب حر نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا عباس سلمدار استقبال کے لیے آ رہے ہیں. ارے حر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, مجھ گناہگار کے لیے عباس سلمدار استقبال کو آ رہے ہیں. حر نے دوڑتے ہوئے خود کو امام حسین کے قدموں پہ گرا دیا. کہا مولا کیا مجھ گناہگار کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ مولا اپنی ماں کے صدقے میں مجھے معاف کر دیجئے. ایک بار ہی مولا حسین نے بازو پکڑ کے حر کو اٹھایا. حر تیری ماں نے تیرا نام بہت اچھا رکھا ہے, تو آزاد ہے, حر ہے, تو جہنم سے بری ہے. حر میں نے تجھے معاف کیا, میرے نانا نے تجھے معاف کیا, میرے بابا نے تجھے معاف کیا, میری ماں نے تجھے معاف کر دیا. حر اٹھا ہے, ایک بار کی دیکھتا ہے مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. حر کہتا ہے مولا رو کیوں رہے ہیں؟ مولا کہتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں کہ آج میں خوش بھی ہوں اور آج میں غم زدہ بھی ہوں. کہا خوش کیوں ہے؟ آج تو جنت کے راستے پر آ گیا اس لیے خوش ہوں, اب جنت تیرا مقدر ہے. کہا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کل دشمن بن کے آیا تھا تو تیرے لشکر کی خاطر کی تھی, پانی پلایا تھا, آج حسین اتنا غریب ہو گیا اپنے مہمان کی خاطر نہیں کر سکتا, اور آج میں تجھے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتا, اپنی غربت پہ رو رہا ہوں. حر کہتا ہے مولا مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں نا؟ کہا ہاں. کہا آپ میرے بیٹے کو پہلے مقتل جانے کی اجازت دے دیں.
मेरी बेटी को मख्तर की इजाजत दे दीजिए मौला, मैं खुश हो जाऊंगा। मौला हुसैन कहते हैं, हुर आज तो कुर्बानी का दिन है, जहाँ मैंने तेरे बेटे को इजाजत दी। हुर ने अपने बेटे को घोड़े पे सवार कराया और जब सवार करा दिया ना, तो बेटे के करीब जाके कहता है, बेटे ऐसा जिहाद करना बाप के गुनाह बख्शवा देना। अज़ादारो, बेटे ने बाप का जुमला सुना, मख्तल में आया बेटा, बड़ी शान से जंग की और एक बार की यजीद के लश्कर से आवाज आई, इन्हें घेर के मारो, ये हमें छोड़कर गए थे। बस एक बार की चारों तरफ से घेरा, हमले होने लगे। हुर का बेटा जख्मों के जख्म खा रहा है, तलवार के जख्म, तीरों के जख्म। अब जब जख्मों से चूर हो गया, घोड़े से गिरा और गिरते हुए आवाज दी, बाबा अदरिकनी, बाबा मदद को आइए, घोड़े से गिर रहा हूँ। बेटे की आवाज सुनी, हुर खड़े हुए, कमर पे पटका कस के बांधा। मौला हुसैन कहते, हुर कहाँ जा रहे हो? कहा मौला, बेटे ने पुकारा है, बेटे की मदद को जा रहा हूँ। मौला हुसैन कहते, ज़ईफ बाप जवान के लाशे पे नहीं जाते, हुर क्या कर रहा है? मैं तेरे बेटे का लाशा उठा के लाऊंगा। मौला घोड़े पे सवार हुए, तेजी से गए, हुर के बेटे के लाशे पे पहुंचे। हुर के बेटे का लाशा हुसैन ने अपने हाथों पे उठाया। मैं हाथ जोड़ के कहूंगी, या मौला हुसैन, अभी कुछ देर के बाद अली अकबर जमीन पे होगा, कोई ना होगा हुसैन जो आपको रोके कि ज़ईफ़ बाप जवान के लाशे को नहीं उठाते।